नमस्कार दोस्तों, आज हेल्थ सीरीज़ में हम बात करेंगे दांतों की सेहत के बारे में। हमसे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज के सीनियर प्रोफेसर डॉक्टर रणधीर। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्ते। डॉक्टर साहब, ये बताइए, आपके पास तो हर तरीके के पेशेंट आते हैं, आजकल दांतों की कौन सी कॉमन प्रॉब्लम है? और एक बात इसी के साथ मैं ये जोड़ना चाहती हूँ कि आजकल बहुत सारी टूथपेस्ट कंपनियां तरह तरह के दावे करके आती हैं कि आप इससे हमारा टूथपेस्ट इस्तेमाल करिए तो आपकी दांतों की सेहत अच्छी रहेगी। आप ही बताइए कि लोगों को इस बात को लेकर बहुत कन्फ्यूज़न है, तो आप पहले ये बताइए कि किस तरह की प्रॉब्लम बहुत कॉमन है और लोग किन बातों का ध्यान रखें। देखिए, सबसे कॉमन प्रॉब्लम पाइडिया का प्रॉब्लम होता है, जिसको कि हम लोग नज़रअंदाज भी करते हैं लेकिन फिर भी फील करते हैं। इसका कॉमन जो लक्षण है यह है कि मुंह से स्मेल आना, दांतों से मसूड़े से ब्लड आना, खून आना, ब्रश करते समय ब्लड आना, या फिर अगर हमें नहीं भी पता चलता तो सामने वाले को जब स्मेल आता है तो हमारे सामने क्लोज होकर बात नहीं करना चाहते हैं। तो हमें ये फील करना चाहिए कि देर कुछ भी गलत चल रहा है, जिसके कारण सामने वाला बंदा हमसे बात नहीं कर पा रहा है। सो हमें पाड़िया का ध्यान रखना चाहिए, पाड़िया का लक्षण का ध्यान रखना चाहिए। और ये सबसे ज़्यादा दांतों की सफाई प्रॉपर नहीं होने से होता है। जनरली हम लोग हर कोई क्लेम तो करते हैं कि दांतों का सफाई करते हैं, बट कहीं ना कहीं हमारा ब्रश या ब्रशिंग टेक्निक मिस करता है, जिसके कारण दांतों में गंदगी जमा होता है और उसके कारण पाड़िया का लक्षण आता है। अच्छा, पाड़िया से बचने के लिए क्या करें, आप सुझाव दीजिए। पाड़िया से बचने के लिए हमें तो पहले मसूड़े का सेहत का ध्यान रखना चाहिए। कभी भी अगर हम खाना खाते हैं तो अच्छे से रिंज करें, अगर नॉनवेज खाते हैं तो भी अच्छे से रिंज करें, 6 महीने में एक बार डेंटिस्ट को दिखाएं, और किसी तरह का अगर इस तरह लक्षण पता चले तो दांतों की सफाई कराएं या जो भी पाड़िया के एक्सपर्ट हैं पेरियोडोंटिस्ट उनसे मिलें। अच्छा, कैविटी के बारे में बताइए, कितने फीसदी लोगों को कि कैविटी की प्रॉब्लम हो रही है, खासकर बच्चों को, और इसकी वजह लाइफस्टाइल से कैसे आप जोड़ के देखते हैं? देखिए, कैविटी का प्रॉब्लम भी आजकल काफ़ी कॉमन है। ऑलमोस्ट 80-90% पर्सन में आइदर इंसिपिएंट, मतलब बेसिक शुरुआती कैरिज होता है, और ये डीप होते जाता है, जिसके बाद दांतों में सबसे पहले आपको ठंडा पानी, गर्म पानी लगना शुरू होता है, फिर मीठा खाने से प्रॉब्लम शुरू होता है, सेंसिटिविटी होता है, और अगर उसके बाद भी हम ध्यान नहीं देते हैं तो ये दर्द में कन्वर्ट हो जाता है, मींस कैविटी नस तक चला गया है। सब ये कॉमन है। लाइफस्टाइल से क्या है कि पहले जो पुराने लाइफस्टाइल था उसमें हम लोग फाइबरस फूड इनकॉर्पोरेट करते थे, लेकिन आज के टाइम में क्या होता है कि हम लोग फाइबरस फूड कम लेते हैं और सॉफ्ट फूड ज़्यादा लेते हैं, लाइक बर्गर, पिज्ज़ा या ब्रेड। चूँकि लाइफ स्टाइल फास्ट है तो जो भी फूड हैबिट है, जितनी तेज़ी से हमें मिल सकता है, जल्दी मिल सकता है, तो हम लोग फास्ट फूड की तरफ कॉन्सनट्रेट करते हैं। इन फूड के साथ क्या है कि ये टूथ के बीच में फंस जाता है, या टूथ का जो ऊपर का पार्ट है जिसको हम लोग जहाँ केरिज का टेंडेंसी ज़्यादा होता है, कस्प बोलते हैं, वहाँ अगर फंस जाता है सॉफ्ट फूड होने के कारण, तो केरिज का टेंडेंसी काफ़ी बढ़ा देता है। अच्छा, आप पेरेंट्स को क्या एडवाइस करना चाहेंगे? 2-3 पॉइंट बताइए, दो खास बातें। एक बात तो है कि जब ब्रश करता है बच्चा तो उस पर ध्यान दें। कई बार क्या होता है कि बच्चा ब्रश प्रेशर में करता है कि मुझे ब्रश करना है, जबकि ब्रश करने के साथ साथ ये जरूरी है कि बच्चा दांत को साफ करे, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो एक तो 2 बार ब्रश करने का हैबिट डालें बच्चों में, और जब बच्चा ब्रश करे तो आप उस पर ध्यान दें कि वो अच्छे से कर रहा है कि नहीं। ऐसा तो नहीं सिर्फ हमारे डांटने या कहने के कारण ब्रश कर रहा है, फॉर्मेलिटी के तौर पर इस पर ध्यान देना चाहिए। और खान पान के लिए बच्चे खान पान के लिए भी फास्ट फूड से बचना चाहिए, और अगर फास्ट फूड देते भी हैं तो घर आके बच्चे को अच्छे से रेंज करवाना चाहिए। चॉकलेट कितनी खतरनाक है? चॉकलेट जो भी सॉफ्ट स्टिकी स्टार्ची सब्सटेंस है वो बहुत खतरनाक होता है। तो आजकल जो भी कैडबरीज या डिफरेंट मार्केट में अवेलेबल चॉकलेट हम यूज़ करते हैं तो उससे केरिज का टेंडेंसी बढ़ जाता है, क्योंकि उसमें एक तो मिल्क पाउडर या मिल्क का कंटेंट होता है, मीठा होता है, और टूथ पर चिपकने का टेंडेंसी ज़्यादा होता है। अच्छा, आजकल जो बहुत सारी कंपनियां आती हैं कि हमारा टूथपेस्ट इस्तेमाल करिए, इससे आपको आपकी दांतों की सेहत अच्छी रहेगी, तो क्या टूथपेस्ट को लेकर उसका जब हम चुनाव करते हैं तो किन बातों का ध्यान रखें, क्या वाकई इतना इम्पॉर्टेंट है टूथपेस्ट से कोई अपने दांतों को अच्छा रख सकता है? देखिए, टूथपेस्ट का कंटेंट कुछ हद तक इम्पॉर्टेंट है, लेकिन जितनी कंपनियाँ क्लेम करती है वैसा नहीं है। टूथपेस्ट का बेसिक पर्पस है कि झाग आए अच्छे से और क्लीनिंग हो। वहाँ टूथब्रश का टेक्निक एंड टूथब्रश का, जैसे सॉफ्ट ब्रश आता है, अल्ट्रा सॉफ्ट होता है, हार्ड ब्रश है, मीडियम ब्रश है, वो टाइप ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेरिजन टू टूथपेस्ट। मोस्ट ऑफ द टूथपेस्ट में कंटेंट में थोड़ा बहुत फेरबदल होता है,
जैसे अब कोलगेट ने चारकोल निकाल दिया है, किसी ने पेप्सिन एंजाइम डाल दिया है, किसी ने जेल फोम का चर्चा किया है, और सारा ऑलमोस्ट इफिकेसी के मामले में बराबर ही है। अच्छा, टूथपेस्ट के अलावा कोई देसी ऐसी चीज़ है जो हमारी प्राचीन है और जो लोग इजी, मतलब हर इनकम ग्रुप का व्यक्ति उसको अडॉप्ट कर सकता है, ऐसी कोई चीज़ आप एडवाइस करना चाहेंगे? देखिए, सबसे पुराना और आज भी यूजफुल नीम है। ओके। लेकिन नीम का क्या है कि सिर्फ दातुन करके आप बेनिफिट नहीं ले सकते हैं, अगर यूज भी करना है तो ब्रश कीजिए और उसके बाद नीम यूज कीजिए। क्या नीम को कैसे यूज करें? नीम का जैसे टूथ, जैसे हम लोग दातुन बोलते हैं, हाँ, आप चबाएं, हाँ, उसका रस जो होता है वो बेनिफिट देता है, और चबाने से जो मस्टिकेटरी पावर है, चबाने का कैपेसिटी, वो बढ़ जाता है, तो दोनों ही बेनिफिट देता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, कुछ हद तक जो नमक, पुराने ज़माने में लोग थे, नमक तेल का मसाज कीजिए, तो वो भी बेनिफिशियल है। अच्छा। हाँ, लेकिन है कि वो सब एडिशनल है, सपोर्टिव है। ओके। बेसिक चीज़ टूथब्रश और टूथपेस्ट ही है। अच्छा, तो इसमें जो जो कंपनियां दावे करती हैं, तो एक लोगों को कन्फ्यूज़न होती है कि हम क्या चुने, मेरे लिए क्या अच्छा है। देखिए, हमारे यहाँ क्या है, इंडिया में सब कंपनियां मार्केटिंग करना चाहती है, उनके बंदे बैठे हुए हैं प्रमोट करने के लिए, तो हमारे इमोशन को वो उजागर करते हैं। बाकी बेनिफिट के हिसाब से कोई स्पेशल बेनिफिट नहीं है। हाँ, यूजफुल है, उसको डिनाई नहीं किया जा सकता है, लेकिन अगर हम एडवांटेज ओवर द वन पेस्ट और अनदर पेस्ट खोजते हैं, तो ऐसा कोई बहुत एडवांटेज नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही अहम जानकारियाँ दी। इसके अलावा जो लोग तंबाकू या पान मसाले का जो सेवन करते हैं, वो एक बहुत गंभीर समस्या के रूप में हमारे सामने आ रहा है, आप उसके बारे में कुछ बताएं। देखिए, तंबाकू और स्पेशली पीटल नट यूज करने से सबसे कॉमन समस्या ओरल सम्यूकस फाइब्रोसिस होता है। इससे क्या, हमें पता नहीं चलता, लेकिन हमारे माउथ का ओपनिंग जो खुलने का है वो कम होते जाता है। इसको चेक करने के लिए हम लोग ऑलवेज बोलते हैं कि फोर फिंगर माउथ के अंदर डालिए। अगर स्ट्रेट फोर फिंगर आप डाल सकते हैं, तब आपका ओपनिंग प्रॉपर है। जैसे ही थ्री फिंगर टू फिंगर में कन्वर्ट होता है, तो आपको डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए और इन चीज़ों को छोड़ना चाहिए। सेकेंडली क्या है कि अगर आप इसको नहीं छोड़ते हैं, तो ये सब प्री कैंसरस लीजन है, ये कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है, और जब एक बार कन्वर्ट हो जाता है, तो आपके पास कुछ ऑप्शन नहीं होता है बचने का। सो जब प्री कैंसरस लीजन आपका हो रहा हो, उसी समय कॉन्सेंट्रेट करें, डॉक्टर से मिले और अपने हैबिट में चेंज लाएं। अच्छा, ये जो ओरल कैंसर का प्रॉब्लम है, ये इनफैक्ट डेंटल केयर के उसमें आता है कि या फिर किसको कंसल्ट किया जाए? अगर माउथ से रिलेटेड जो भी है वो डेंटल केयर के अंदर ही आता है, और डेंटिस्ट सबसे पहले आपके माउथ को ऑब्जर्व करता है, तो वो उसको देख पाता है, तो देख के हम एडवाइस कर पाते हैं। वैसे कैंसर का प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑन्को सर्जन करते हैं, बट डायग्नोसिस डेंटिस्ट ही करते हैं। ओके डॉक्टर साहब, एक और प्रॉब्लम जो ये तो जो मेरे ख्याल में पुरुषों को ज़्यादा होती है ओरल कैंसर, खासतौर पर अगर वो तंबाकू का सेवन करते हैं, एक और प्रॉब्लम जो मुंह के अंदर देखी जाती है जो महिलाओं में बड़ी कॉमन है, लाइकेन प्लेनस, इसके बारे में बात करना चाहूँगी। एक तो मुझे आप बताएं कि लाइकेन प्लेनस क्या है, इसके लक्षण क्या है, और क्या ये क्यूरेबल है? देखिए, लाइकेन प्लेनस जो महिलाओं में अधिक आता है, इसका रीजन स्ट्रेस एंड हार्मोनल इम्बैलेंस है। करंट लाइफ स्टाइल में क्या है कि हम लोग जैसे लेट मैरिज होना, स्ट्रेस में रहना, वर्किंग इन्वायरमेंट में महिलाएं होती है, तो वर्क के कारण वर्क प्रेशर होता है, और उनके पास डबल प्रेशर होता है, घर चलाने का भी, बच्चे को भी देखने का। तो हार्मोनल इम्बैलेंस एंड स्ट्रेस दोनों के मिक्स होने के कारण ये बढ़ता है, फीमेल में ज़्यादा है। लक्षण है वाइट पैचेज जैसा, वाइट लाइन और पैचेज जैसा आपके माउथ में दिखेगा, और वहाँ पर बर्निंग सेंसेशन होगा। जब हम खाना खाते हैं, स्पेशली स्पाइसी फूड, तो उसमें बर्निंग सेंसेशन होता है। ये दो लक्षण है, कॉमन है। क्या इसका इलाज संभव है? इसका इलाज संभव है, प्रॉपर लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट एंड कुछ मेडिसिन है, जिसका कि आप लगातार यूज करके आप फायदा ले सकते हैं। डॉक्टर साहब, हमने बच्चों के बारे में बात की, महिलाओं के बारे में बात की, एक चीज़ बताइए, बुजुर्गों में भी दांतों की बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। एक तो होता है उनके दांत कमज़ोर होने लगते हैं, गिरने लगते हैं, कुछ लोगों को जो गिरने के बाद नकली दांत लगाने पड़ते, उसमें भी तरह तरह की प्रॉब्लम आती है। आप बुजुर्गों में दांतों से संबंधित क्या समस्याएं होती हैं, और उनके लिए एडवांस केयर में क्या डेंटल ट्रीटमेंट अवेलेबल है, उसके बारे में बताएं। देखिए, बुजुर्गों के लिए जो सबसे बड़ी समस्या होती है टूथ लॉस। जब आज के टाइम में इंडिया में बुजुर्गों का पॉपुलेशन भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, उनकी आबादी भी बढ़ रही है, उनका बाइंग कैपेसिटी बढ़ रहा है, तो उनको भी अच्छी सर्विस रिक्वायर्ड होता है। और अच्छी सर्विस में क्या है कि सबसे कॉमन हम लोग आजकल डेंटल इम्प्लांट पर कंसंट्रेट कर रहे हैं, क्योंकि पहले क्या होता था कि अगर हम टूथ लगाते थे
तो मोबाइल हो जाता था, उनके अधिकतर टूथ मिसिंग होते थे, दांत होते नहीं थे। तो वहाँ पर इम्प्लांट एक सॉल्यूशन है जिसमें आर्टिफिशियल टूथ रूट के जैसा हम लोग टाइटेनियम स्क्रू बोन में डालते हैं और आप नेचुरल टूथ की तरह एंजॉय करते हैं। पूरी तरह फिक्स हो जाता है, पूरी तरह फिक्स हो जाता है और आप उसको नॉर्मल टूथ की तरह खाना पीने खाने में एंजॉय कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। सो बुजुर्गों के लिए वो सबसे बड़ा चीज़ है। दूसरा बात, बुजुर्गों में क्या हो रहा है कि सलाइवा सिक्रेशन कम होना, तो उसके लिए आर्टिफिशियल सलाइवा होता है एंड उसको हम लोग सेलिवरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करते हैं जिससे कि ड्राइनेस नहीं हो, मुंह माउथ में ड्राइनेस नहीं आए। तो ये दो कॉमन चीज़ है जो बुजुर्गों के लिए हम करते हैं और कर सकते हैं। डॉक्टर साहब मुझे बताइए, एक तो ये कि डेंटल, एक तो एडवांस ट्रीटमेंट बहुत सारा अवेलेबल है, लेकिन ये बताइए बहुत सारे हमारे गांव में कस्बों में रहने वाले लोग हैं जिनके लिए कि बहुत एडवांस ट्रीटमेंट एक तो बहुत महंगा होता है, आप उनको कुछ एक प्रिकॉशन के तौर पर बता पाएंगे, एक तो ये कि हम कैसे क्या ये ड्यूरेशन बढ़ा सकते हैं, जैसे हम कहें कि 60 इयर्स में आपका टूथ लॉस होता है तो क्या वो 70 इयर्स तक 80 इयर्स तक चल सकता है, और वो सावधानियां क्या रखें? देखिए 70, 80 या 50 ये कोई भी क्राइटेरिया टूथ लॉस के लिए नहीं। बेसिकली जो हमने पहले चर्चा किया कि पायरिया से बचें, पायरिया से बचने से क्या है कि टूथ स्ट्रॉन्ग रहता है। दूसरा, अगर कैविटी केरिज होता है तो अर्ली ट्रीटमेंट कराएं, कभी किसी रीजन से टूथ लॉस हो भी गया है तो उसका अर्ली ट्रीटमेंट कराएं, इम्प्लांट से या फिक्स्ड टूथ से उसको रिप्लेस करें, क्योंकि अगर वो नहीं होता है तो आगे पीछे के टूथ में भी प्रॉब्लम शुरू होता है। और बुजुर्गों में क्या है कि अब अगर टूथ नहीं है तो अच्छे से मैस्टिकेशन नहीं होगा, मैस्टिकेशन नहीं होगा तो डाइजेशन नहीं होगा, और डाइजेशन नहीं होगा तो ओवरऑल हेल्थ पर असर पड़ता है। सो एक होलिस्टिक अप्रोच के तहत हम लोग को बुजुर्गों का जो पायरिया से बचाना है या अगर हो भी गया है तो उसको ट्रीट करना है, कैविटी है उसको ठीक करना है, और जो भी टूथ लॉस हो गया है उसका रिहैबिलिटेशन करके डेंटल इम्प्लांट या फिक्स टूथ लगाने का सोचना है। अच्छा, आप एक तरह से ये भी कहना चाह रहे हैं कि अगर हमने अपने यंग एज में अपने दांतों की प्रॉपर केयर की है और समय पे ध्यान दिया तो शायद ओल्ड एज में इतनी प्रॉब्लम ना आए। हाँ, टूथ के लिए एज कोई क्राइटेरिया नहीं है, हम एज से नहीं गाइड कर सकते कि टूथ लॉस होगा या नहीं होगा। 90 ईयर एज में भी टूथ लॉस नहीं हो सकता है, बशर्ते कि प्रॉपर केयर किया जाए। डॉक्टर साहब, ये पटना इसके अलावा मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, आजकल लेजर ट्रीटमेंट से काफ़ी हम लोग पायरिया का अच्छा और नॉन सर्जिकल कह सकते हैं ब्लडलेस पेनलेस ट्रीटमेंट देते हैं। तो लेजर का इनकॉर्पोरेशन बहुत महंगा नहीं है, जो भी एक्सपर्ट हैं, जैसे बिहार में तो मैं अकेला एक्सपर्ट हूँ, लेकिन और भी लोग जो एक्सपर्ट हैं वो अगर अपने एक्सपर्टीज को यूज करें और थोड़ा पेशेंट से चार्जेज कम करें तो काफ़ी पॉपुलर और यूजफुल ट्रीटमेंट है। सो लेजर एंड डेंटल इम्प्लांट, अपार्ट फ्रॉम दैट काफ़ी सारे मेडिसिन हैं जिसको लोकल ड्रग डिलीवरी सिस्टम एक हम लोग कहते हैं, जो आप लोग नॉर्मल मेडिसिन लेते हैं तो ओरल कैविटी से लेते हैं ये, और इसका लिमिटेड कंसंट्रेशन जिंजाइबा मसूरा तक आता है। उसमें क्या होता है कि हाई कंसंट्रेशन में हम मसूरे में मेडिसिन डाल देते हैं और हाई कंसंट्रेशन में लोकली रिलीज होता है, तो सिस्टेमिक साइड इफेक्ट नहीं होता है और लोकल बेनिफिट मिलता है। सेकेंड चीज़ क्या है कि अगर पायरिया हो ही गया है या टूथ मोबाइल हो गया है तो वहाँ पर हम लोग आर्टिफिशियल ब्लड बोन डालते हैं जिसको बोन ग्राफ्टिंग कहते हैं, तो इसका भी बेनिफिट पेशेंट को मिल सकता है। तो डॉक्टर साहब, अगर हम विदेशों से तुलना करें तो हमारे देश में एडवांस डेंटल केयर के नाम पे हम किस स्टेज पे खड़े अपने को पाते हैं? देखिए, अभी भी हम लोग बिगिनिंग में हैं। अगर यूरोपियन स्पेशली यूरोपियन कंट्री से हम लोग अपना तुलना करें तो वो अगर 100 है तो हमारे यहाँ कुछ लोग हैं जो 90 पर हैं, बट इनका नंबर इतना कम है जिसके कारण ओवरऑल 10 पर लैंड करते हैं। अधिकतर डेंटिस्ट जो डिफरेंट प्राइवेट कॉलेज से आ रहे हैं या उनकी ट्रेनिंग पुअर है, वो आगे बढ़ने में कॉन्सनट्रेट नहीं कर रहे हैं। अगर वो सर्टेन ट्रेनिंग लें, अपने आप को एडवांस करना चाहें, तो हम लोग भी 90% और 100% पर आ सकते हैं, बट कुछ लोग तो 90% पर हैं बट उनका नंबर काफ़ी कम है। अच्छा, हमारे देश में जो डेंटल गवर्नमेंट डेंटल कॉलेजेस हैं वहाँ पे जो एडवांस ट्रीटमेंट की कितनी फैसिलिटी, हम कहीं पे स्टैंड करते हैं कि नहीं? नहीं, निश्चित रूप से करते हैं। आज के टाइम में गवर्नमेंट का हेल्थ पॉलिसी काफ़ी पॉपुलर है एंड दे आर गिविंग डिफरेंट टाइप ऑफ एडवांटेजेस, सो हम लोग काफ़ी आगे हैं गवर्नमेंट कॉलेज में भी। हाँ, नो डाउट मशीन कुछ नहीं कर सकता है, अगर आप ट्रेंड हैं तो आप अधिक से अधिक पेशेंट को बेनिफिट दे सकते हैं, बट गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी अच्छे कंडीशन में है। अच्छा, पटना में आपका कोई एडवांस डेंटल हॉस्पिटल खुल रहा है, उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, एडवांस डेंटल हॉस्पिटल जैसा कि नाम ही है तो हमने पूरी तरह से उसको एडवांस बना रखा है। ये 6 चेयर का यूनिट है, ISO सर्टिफाइड है एंड स्टरलाइजेशन पर हमने काफ़ी कॉन्सेंट्रेट किया है।
डेंटल में जनरली स्टरलाइजेशन का लोग कम ध्यान रखते हैं, जबकि माउथ काफ़ी सेंसिटिव पार्ट है जहाँ स्टरलाइजेशन रिक्वायर्ड है। तो हमने पेशेंट का टाइम कम लगे इसके लिए 6 चेयर अरेंज किया है कि आप जब भी जाते हैं तुरंत आपको सर्विस मिलता है। हमारे पास 10 स्टाफ हैं, ट्रेंड स्टाफ, और 6 MDS की टीम है जिसका मैं डायरेक्टर हूँ, और हम लोग उसको काफ़ी अच्छे से रन करा रहे हैं, जहाँ आपको लेजर, डेंटल इम्प्लांट, ऑटोक्लेव में बी क्लास ऑटोक्लेव जो बेस्ट अवेलेबल ऑटोक्लेव है, फुल्ली AC सेंटर है, तो आपको इस तरह का बेनिफिट हमने प्रोवाइड किया है। क्योंकि पटना में जैसा कि आप चर्चा कर रही थी कि हम कहाँ लैंड कर रहे हैं, तो पटना में इस तरह का फैसिलिटी एक भी नहीं था और लोग इसको अच्छे से नहीं यूज कर पा रहे थे, तो हमने इसको वर्ल्ड क्लास बनाने का कोशिश किया है एंड होप सो कि वो वर्ल्ड क्लास लोगों को फैसिलिटी मिले। थैंक यू डॉक्टर रणधीर, आपने दांतों के सेहत के बारे में बहुत अच्छी हमको जानकारियाँ दी और उम्मीद है कि आपकी इस जानकारी से लोगों को फ़ायदा होगा। थैंक यू।